हेलो दोस्तों, मैं शिवम शुक्ला आपके अपने चैनल मैकेनिकल प्लम्बर में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम कुछ प्रश्नों के उत्तर जानेंगे। यह जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न है हमारा, डाक खाने से अपने पत्र या ऑफिशियल कागज या सामान वस्तु कहीं भी कैसे भेजें? प्रश्न दो, रजिस्ट्री करें या स्पीड पोस्ट? प्रश्न तीन, भेजने वाले या प्राप्तकर्ता का पता कैसे लिखें? प्रश्न चार, क्या स्पीड पोस्ट या रजिस्ट्री करने के बाद आपको रसीद मिलेगी? प्रश्न पाँच, कैसे पता करें कि मेरे द्वारा भेजा गया सामान कहाँ है? प्रश्न छः, रजिस्ट्री एवं स्पीड पोस्ट में क्या अंतर है? आइए इन प्रश्नों के उत्तर हम क्रम बाय क्रम जानते हैं। पहला प्रश्न, डाक खाने से अपने पत्र या ऑफिशियल कागज या सामान वस्तु कहीं भी कैसे भेजें? इसका उत्तर है, किसी भी पुस्तक भंडार से एक रैपर या लिफाफा खरीदें और उसमें अपने डॉक्यूमेंट रख दें। उस रैपर या लिफाफे को अच्छी तरह से गोंद एवं टेप की सहायता से चिपकाकर सील कर दें। अब आपके डॉक्यूमेंट या वस्तु कहीं भी भेजे जाने के लिए तैयार है। प्रश्न दो, रजिस्ट्री करें या स्पीड पोस्ट? उत्तर, यदि आपको आपकी वस्तु या डॉक्यूमेंट जल्दी भेजना है तो आप स्पीड पोस्ट कर सकते हैं। यदि आपको अतिशीघ्र भेजने हैं और यदि आपको अपने डॉक्यूमेंट या कागज आराम से भेजने हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है, तो आप रजिस्ट्री का उपयोग कर सकते हैं। प्रश्न तीन, भेजने वाले या प्राप्तकर्ता का पता कैसे लिखें? उत्तर, भेजने वाले का पता नीचे की तरफ और प्राप्तकर्ता का पता ऊपर की ओर लिखा जाता है। इसे चित्र के उदाहरण से आप समझ सकते हैं। जैसा कि आप इस पेज में देख रहे हैं कि जिस व्यक्ति को हम पत्र या कोई वस्तु या फिर कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट भेजते हैं तो उसका एड्रेस हम ऊपर लिखते हैं, उसके लिए लिखते हैं टू, और इसमें लिखा हुआ है एडिशनल सेक्रेटरी माध्यमिक शिक्षा परिषद रीजनल ऑफिस बरेली उत्तर प्रदेश सिविल लाइंस बरेली यूपी और पिन कोड 24303। इसी तरह से जहां से भेजा जाता है उसके लिए हम नीचे लिखते हैं फ्रॉम नेम शिवम शुक्ला, फादर्स नेम विलेज पोस्ट या फिर जिस मोहल्ले या फिर शहर के जिस कस्बे में आप रहते हैं उसका नाम डालिएगा, फिर जिस थाने आपका जो थाना लगता है या जो आपकी तहसील लगती है, उसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट डालना है, प्रदेश डालना है और अपना पिन कोड अवश्य डालें। उसके बाद आप अपना मोबाइल नंबर डाल सकते हैं, मोबाइल नंबर में एक या दो मोबाइल नंबर आप डाल सकते हैं और उसके बाद आप ईमेल आईडी भी अपनी सबमिट कर सकते हैं। इसमें ये सब इतना पता डालना इसलिए ज़रूरी होता है कि कभी मान लीजिए आपका लेटर या आपकी जो भी वस्तु है वो आपने भेजी और जो प्राप्तकर्ता के पास नहीं पहुंची, तो ये वापस आपके पास आसानी से आ सके, इसलिए इतना पता डालना आवश्यक होता है। प्रश्न चार,
क्या स्पीड पोस्ट या रजिस्ट्री करने के बाद आपको रसीद मिलेगी? उत्तर हाँ। स्पीड पोस्ट या रजिस्ट्री करने के बाद आपको डाकखाने में जो वहाँ अधिकारी होगा वह आपके लिए एक रसीद उपलब्ध कराएगा, जिस रसीद पर कुछ नंबर, आपका नाम और आप जहाँ जिस वस्तु को भेज रहे हैं उसका शॉर्ट में एड्रेस लिखा हुआ होगा। यह रसीद प्रमाण होगी कि आप कोई वस्तु कहीं भेज रहे हैं। प्रश्न 5, कैसे पता करें कि मेरे द्वारा भेजा गया सामान कहाँ है? उत्तर, जो आपके लिए रसीद दी जाएगी उस पर एक वेबसाइट मेंशन की हुई होगी। उस वेबसाइट पर जाकर आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर अपनी वस्तु या डॉक्यूमेंट को ट्रैक कर सकते हैं कि वह वस्तु कहाँ पहुँची है। प्रश्न 6, रजिस्ट्री या स्पीड पोस्ट में क्या अंतर है? उत्तर रजिस्ट्री। रजिस्ट्री उसी व्यक्ति को दी जाएगी जिस व्यक्ति के नाम से आपने रजिस्ट्री की होगी, इसलिए कभी कभी व्यक्ति नहीं मिल पाने के कारण रजिस्ट्री की डिलीवरी होने में समय लग जाता है। स्पीड पोस्ट किसी भी उस संस्थान में या उस परिवार में के व्यक्ति को जिसके नाम से आपने स्पीड पोस्ट किया है उसको दिया जा सकता है, इसलिए इसकी डिलीवरी जल्दी होती है। कैसे पता लगेगा कि मेरे द्वारा की गई रजिस्ट्री या स्पीड पोस्ट पहुंच गई है? उत्तर, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक मैसेज आएगा जिसमें बताया जाएगा कि किस व्यक्ति द्वारा आपकी रजिस्ट्री या स्पीड पोस्ट डिलीवर की गई है, उसका नाम एवं जिस ऑफिस में डिलीवर की गई है उसका भी शॉर्टकट में नाम लिख कर आएगा। तो इस तरह पता लग जाएगा कि आपकी रजिस्ट्री पहुंच गई है। मैं आशा करता हूं कि मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो में आपको अपने काफ़ी प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा, और यदि आपका कोई अन्य प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स करके पूछ सकते हैं। तो यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और अपने पढ़ने वाले मित्रों से या फिर जिनको आवश्यकता हो उन्हें आप शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।